अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मजे में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मजेदार से पिज्जा पिनव्हील की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मजेदार बन के तैयार होते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा, तो इनशाला आपके पिज्जा पिनव्हील बिल्कुल इसी तरह बन के रेडी होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है इसमें, और इसको अच्छी तरह से हम गर्म होने का वेट करेंगे। और यहाँ मेरे पास एक ब्रेस्ट पीस था चिकन का और इसको मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर लिए, तो इसमें आप छोटे ही क्यूब ऐड करिएगा, बड़े करेंगे तो पिनव्हील जो है वो फट जाएंगे, तो इसलिए जो है ना आप छोटे क्यूब्स में कट करें वो बेस्ट है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने का वेट करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आप तिक्का मसाला यूज़ कर लिएगा, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर है और 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप अदरक लहसुन पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड किया मैंने, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ अभी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गए, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमें 1/2 गिलास इसमें ऐड कर रही हूँ और छोटे क्यूब्स हैं तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, तो 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से चिकन गल जाएगा, तो 1/2 गिलास पानी काफ़ी है इसके लिए, तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए यहाँ 10 मिनट हो गए और पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो गया, चिकन भी गल चुका है, तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और जो बड़ी बोटियाँ आपको थोड़ी सी लग रही हो तो आप उसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके तोड़ लें। बस अब ये रेडी है, तो अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। यहाँ डो मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई है, इसकी रेसिपी मैं पहले आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, और अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट आपकी इससे डो बनेगी और पिज्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। पिज्ज़ा पिनव्हील आप बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा बनेगा। विद एग और विदाउट एग मैंने दोनों तरीके से बनाना सिखाई है, आपको जो पसंद हो जो अच्छी लगे आप लोग उस तरह से बना लिएगा। चलें अब देखते हैं आगे की रेसिपी। ये देखें कितनी अच्छी राइस हो गई है हमारी डो। तो ये मैंने 3 कप मैदे की बनाई है और मैंने आपको जो रेसिपी में बनाना सिखाई है पहले वो 4 कप की है। मुझे एक पिज़्ज़ा भी बनाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदे के लिए हैं, तो अगर आप खाली पिनव्हील बना रहे हो तो आप 2 कप मैदे से बना लिएगा। ये फिलिंग भी हमारी रेडी हो गई है। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये अब जो हमने डो गूंदी थी ये भी हम निकाल लेंगे। और बस इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। और मैं इसमें से थोड़ा सा पिज्जे के लिए निकाल लूंगी और बाकी पिनव्हील बना लूंगी। तो अब हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। और नीचे आप थोड़ा सा मैदा लगा के रखिएगा वरना चिपकेगा फिर, तो इस तरह से अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने बेल लिए, लंबी सी ओवल शेप में बेलिए, और बहुत पतली नहीं बेलना है इसको, थोड़ा मोटा ही रखना है।
और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इंस्टेंट भी बनाना सिखाई है मैंने, और दूसरी जो टमाटर से बनती है वो भी बनाना सिखाई है, तो आप जो पसंद हो आप वो बना लें। अब ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस लग गई है। अब यहाँ 400 ग्राम का मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ का बार था, और मैंने उसको कद्दूकश करके रख लिया, ग्रेट कर लिया था, और अब इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। और यहाँ मैं भूल गई थी, सबसे पहले हम कांटे से इसमें निशान बना लेंगे, सुराख कर लेंगे, वरना ये फूल जाएगी बीच में से, तो ये मैं भूल गई थी, तो अब हम इसके अंदर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं, अब इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। पिज्ज़े में आप याद से इस तरह निशान बना लिया करें, वरना वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। अब ये सारी फिलिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं थोड़ी सी पिज्ज़े के लिए बचा लूँगी। और ये इसमें हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर हम ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, और ऑलिव हैं ये मेरे पास थोड़े से, मैंने ब्लैक लिए हैं, आपको ग्रीन पसंद हो तो आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, और बस थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, बाकी पिज्ज़े के लिए मैंने रखी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं करिएगा, वरना फिर पिन व्हील जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। तो अब शिमला मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये इसके ऊपर हम चीज़ ऐड कर देंगे दोबारा से, और चीज़ भी पूरा ऐड नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने बचाया है पिज़्ज़े के लिए। और अब इसके ऊपर हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा, बस हाफ टी स्पून के करीब आप ऐड कर दिएगा, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें पिज़्ज़े की ना, तो आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। और ये गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, तो ये भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये आप ज़रूर इस पर ऐड करिएगा, स्प्रिंकल कर दिएगा हल्का सा। और ये ऑलिव मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो कम ज़्यादा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लिएगा। और अब हम इसको रोल करेंगे, बहुत एहतियात से आपने इसको रोल करना है, ये देखें इस तरह से इसको रोल कर लिया हमने। अब ये थोड़ा सा चिपक रहा था, तो मैं इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी नीचे काउंटर पे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, वरना वो फिर पिन व्हील के ऊपर लगा हुआ मैदा महसूस होगा, तो वो इस तरह से आप कम लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये ओवन की ट्रे मैंने पहले से इसको ग्रीस करके रखा हुआ था, और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। तो अब हम इसको कट करेंगे, ये देखिए आपने इतने चौड़े रखने हैं इसको, बहुत बारीक बारीक मत काटिएगा। ये देखिए इस तरह दो फिंगर के हिसाब से आप रख के, और उसके बाद इसके कटिंग करिएगा। तो अब इसको कट करके और हाथ पे हल्का सा सेट करेंगे, क्योंकि वो कटिंग में थोड़ा सा इसका शेप ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से करके और आप इसको थोड़ा सा शेप दे लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इस तरह से सारे इस तरह से कटिंग करके और इसको ट्रे में रख दूंगी, थोड़ा एहतियात से कटिंग करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो इसको फिर आप सेट कर लें तो इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। ये देखिए मैं इस तरह सारे रख लूंगी, ये देखिए सारे रेडी हो गए। और जो कॉर्नर्स के थे, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल करके और उसको मैंने कॉर्नर्स को रख दिया था, और इसको मैं 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे ही।
और आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स पे अंडा ब्रश कर सकते हैं। अगर अंडा नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें कलर नहीं आएगा, ये इसी तरह से रहेगा वाइट। तो मैंने अंडा नहीं लगाया। अगर आपको कलर थोड़ा पसंद है गोल्डन सा, तो आप अंडे का ब्रश कर लिएगा साइडों पे। ये देखें कितने अच्छे बेक होकर आ गए हैं और बहुत सॉफ्ट बने, बस इसकी साइडों पे कलर नहीं आता। अगर अंडा ब्रश करेंगे तो इस पे कलर अच्छा आएगा। तो मैंने अंडा नहीं लगाया है, अब आपकी मर्जी है। ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे। तो ये देखें बहुत सॉफ्ट हैं। आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, तो पैन में भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। तो अगर जिनके पास ओवन नहीं है तो वो पैन में भी ट्राई करें, तो पैन में भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।